Hey, what's up, people? This is Panchma. Welcome back to my YouTube channel, PR Moto Vlogs. तो आज हम लोग बात करें कार स्क्रीन के बारे में. तो मैंने जो ये कार स्क्रीन है, इसे मैंने पहले एक वीडियो में इसके बारे में बता चुका है, जिसमें मैंने इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी. तो उसमें काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि इसके जो सेटअप है एंड इसका जो वर्किंग है वो दिखाना है. तो अगर आपने वो वाली वीडियो मेरे अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो उसे आप वहाँ से देख लीजिएगा. तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सेटअप है वो थोड़ा मुश्किल है. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जब तक अगर आपको नहीं आता अच्छे से तो आप इसे ना करें घर पर. हार्डली 200 रुपये तक में आप इसका सेटअप करवा सकते हैं. तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसका वर्किंग क्या क्या एंड इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो जिससे कि आपको पता चले कि इसमें मैं क्या क्या है. एंड मैं इसमें आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं इसमें आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखाऊंगा और रिवर्स कैमरा का भी दिखाऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है. तो मैंने जो ये 7 इंचेस का कार स्क्रीन मॉनिटर इसे मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था 2300 में. इसमें साथ ही मुझे कैमरा भी मिला था. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसका ये नॉर्मल इंटरफेरेंस है स्क्रीन का. आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं. ये आगे तो अगर आप थोड़े से कुछ करें नहीं तो ये 10 सेकेंड अपने आप ही बंद हो जाता है. एंड चलिए इसे दिखाते हैं किस्मा को क्या मिल जाए. तो ये इसका कुछ इस तरीके से इंटरफेरेंस है. ये टच स्क्रीन नहीं है, ये आपको यहाँ पे बटन्स है, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिससे कि आप यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं. इसी से यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं. एंड फ्लैश लाइट ऑन कर सकता हूँ. अब यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं. एंड ये यहाँ पे है इसका इंटरफेरेंस. में आगे पीछे जाने के लिए है ये वाला बटन और ये वाला बटन. तो इसमें आप इंटरफेरेंस में आगे पीछे जा सकते हैं. इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, फ़ोटोज़, वीडियोज़, म्यूज़िक वगैरह के लिए. सब ब्लूटूथ भी है, जिसे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे इसका सेटअप का है, तो मैं आपको सेटअप का दिखा देता हूँ. तो इसमें आपको यहाँ लैंग्वेज का है, बैकग्राउंड का, स्टाइल का है, ये स्क्रीन ऑफ का है, जिससे कि आप सेट कर सकते हैं स्क्रीन कितने देर में ऑफ हो. तो ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड तक जा सकता है. और ये यहाँ पे बाकी सारे फ्रिक्वेंसी के लिए दिए है. तो वापस चलते हैं. तो ये यहाँ पे ब्लूटूथ मोड पे आ गया है. एंड मैंने यहाँ पे एक ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट करके रखा है. तो मैं आपको गाना प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका कैसा क्वालिटी है. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ इसका ब्लूटूथ मोड ऑन है. तो ये स्क्रीन 10 सेकंड अपना ऑफ हो जाता है. तो ये इसका ब्लूटूथ मोड ऑन है. एंड यहाँ पे मैंने एक NCS गाना अपने मोबाइल में लगा लिया. तो मैं NCS को प्ले करता हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गाना बज रहा है. एंड इस गाने का वॉल्यूम को आप ये कार का स्टीरियो से भी कंट्रोल कर सकते हैं. एंड इसमें जो वॉल्यूम का बटन है, आप इससे भी इसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं. ये ब्लूटूथ से बजा है, इसमें कोई वायर कनेक्टेड नहीं है. तो मैं अभी इस स्क्रीन में आपको पेन ड्राइव लगा के दिखाऊंगी कि इसमें पेन ड्राइव कैसा काम करता है. तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये यहाँ पे आपका USB पोर्ट है, ये वाला. आप यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक यहाँ पे ये वाला SD कार्ड लगाने का स्लॉट भी है. तो यहाँ पे एक पेन ड्राइव कनेक्ट करके दिखाता है किस्मा को कैसा वीडियो मिलता है. तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें MP4 वीडियोज़ या HD वीडियोज़ नहीं चलते हैं. तो इसके लिए आपको कुछ सेलेक्टेड फॉर्मेट्स है जो इसमें चलते हैं. तो आपको उसी पर अगर उस फॉर्मेट में अगर आपको वीडियो है तो वो चलेगा. तो मैं पेन ड्राइव लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है. तो ये पेन ड्राइव मैं यहाँ पर लगा देता हूँ. ये पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे लगा दिया. एंड ये स्क्रीन ऑन हो गया. एंड ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे वीडियो अपने आप चालू हो गया. ये भी एक NCS वीडियो है, सकता वीडियो यहाँ पे चल रहा है. ये पेन ड्राइव के थ्रू ही चल रहा है. साथ ही साथ इस पर जो आप सॉन्ग्स है वो भी आप पेन ड्राइव के थ्रू इस पर बजा सकते हैं. तो यहाँ पे एक वीडियो चल रहा है. हाँ, इसका वॉल्यूम को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मल स्टीरियो के तरह. और अगर आपको इसके वीडियो को पॉज करने के लिए जो बटन है सेटिंग्स वाला, इसको आप दबाइएगा तो यह वीडियो अपने आप पॉज हो जाएगा.
तो जब इसमें जो आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे, आप जो इसका वीडियो का जो फॉर्मेट्स होंगे जो इसमें चल सकेंगे, वो फॉर्मेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो इस पे, तो वो है MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, RM, RMVV, DVD, SVCD, VCD, DVCD, DVIX, FLV, MPEG-4, VOB, MKV, AVI और MP3 फॉर्मेट्स इस स्क्रीन में चल सकते हैं। तो अगर आपके जो ज़्यादातर वीडियोज होते हैं वो MP4 होते हैं, तो अगर आपके पास MP3 वीडियोज है तो वो इसमें चल सकते हैं। एंड आपको अगर चलाना है वीडियो तो आप इसे इसमें इस तरीके से चला सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ड्राइविंग करें तो उसमें वीडियो ना ही देखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ये ड्राइवर को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। तो अगर आप कहीं आइडियल बैठे हुए या गाड़ी कहीं खड़ी है तो इसमें वीडियो देख सकते हैं। एंड यही इस जो बटन है इससे आप इसे प्ले और पॉज कर सकते हैं। एंड इसका साउंड जो है वो कार के नॉर्मल स्पीड से भी कंट्रोल हो सकता है। तो ये जो आपको जो वॉल्यूम आ रही है, तो ये कार के जो स्पीकर्स लगे हुए आ रही है, क्योंकि ये स्टीरियो जो वो कार के स्पीकर से कनेक्ट हो जाता है वायर्स के थ्रू। एंड इसमें इसका इनबिल्ट स्पीकर भी है, तो मैंने वो सब सारी इन्फॉर्मेशन जो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो उसमें बताई है। एंड अगर आपके कार में स्टीरियो पहले से नहीं लगा हुआ है तो आप इस सिर्फ इस स्क्रीन को भी खरीद के लगा सकते हैं, एंड उससे भी काम हो जाएगा क्योंकि इसमें भी इनबिल्ट स्पीकर दिया हुआ है। एंड ये हमें ख़त्म हो गया तो मैं इसे खोल देता हूँ। इस स्क्रीन को सिर्फ लगाते हैं तो उससे भी कम हो सकता है। हाँ, उसमें वॉल्यूम थोड़ी कम मिली क्योंकि जो स्क्रीन स्पीकर है वो छोटा जैसा है। एंड इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इसमें आपको मिरर लिंक का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके फ़ोन में मिरर लिंक का ऑप्शन है, मिरर लिंक का आपके फ़ोन सपोर्ट करता है, तो आप इसको अपने फ़ोन को मिरर लिंक यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मेरे पास फ़ोन में नहीं है तो मैं आपको करके दिखा नहीं सकता। एंड इसमें आपको बहुत सारे और फीचर्स मिल जाते हैं। एंड अब ब्लूटूथ को तो मैंने आपको करके दिखा ही दिया। एंड इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको जो स्टूडियो से कनेक्ट करना है तो आप वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, वो इसके FM पे। ये मैं अगर इसका FM पे दिखाऊँ तो ये 88.10 दिखा रहा है। एंड यही सेम फॉर्मेट आपकी जो स्टूडियो है उसमें भी आपको ये सेम फॉर्मेट होना चाहिए FM पे। देखिए यहाँ पे 88.10 इसका FM में दिखा रहा है, तो ये दोनों चैनल ही मैच होना चाहिए। और ये यहाँ पर ऑन ऑफ इसको देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ऑन ऑफ देख रहे हो तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मेट, ये 88.10 एंड 88.10 जैसे इसमें है, तो ये दोनों फॉर्मेट आपके इसमें मैच होना चाहिए, तो ही अगर आप इसमें कुछ प्ले करते तो आपके कार के स्टूडियो से बच पाएगा। एंड अगर ये दोनों फॉर्मेट मैच नहीं होते तो इसमें और बहुत, तो फिर ये इसमें जो इसका इनबिल्ट स्पीकर उससे ये बजने लगता है, एंड इसका जो कार का जो स्पीकर उससे ये नहीं बजेगा। इसमें बहुत सारा आपको चैनल देख सकते हैं, इसमें से आपको भी चैनल सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जो आपका स्टीरियो है, जो आपके गाड़ी पहले से लगा हुआ स्टीरियो है, उससे आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए तो आपके इसमें बजेगा। एंड अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि इसके कार का रिवर्स कैमरा। मैं आपको एक बार रिवर्स करके दिखा, कैमरा लगा के दिखाता हूँ कि उसमें कैसा दिखेगा। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि कार का अगर आप रिवर्स कैमरा लगा तो ये कैसा काम करेगा, तो दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। पहले गाड़ी को करते थोड़ा सा आगे, अब लगाया तो इसका रिवर्स गियर। तो जैसे आप रिवर्स गियर लगाएगा तो स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाएगा, चाहे वो ऑफ हो या उसमें कोई भी गाना प्ले हो या कुछ भी वीडियो चल रहा, तो अपने आप रिवर्स लग जाएगा। तो मैंने ये रिवर्स कैमरा लगाया तो ये देख सकते हैं आप, ये लाइन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, बट ये लाइन चेंजेबल नहीं है, सिर्फ स्क्रीन में दिखती है। बहुत गाड़ी में होता है कि आप जैसे स्टीयरिंग को घुमाएंगे इधर उधर तो ये लाइन चेंज हो जाएगी, तो मैं स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं, बट ये जो लाइन है ये यहाँ पे चेंज नहीं होगी। इसमें सिर्फ नॉर्मल कैमरा है, इसे आपको गाइड करने के लिए दिखाता हूँ कि मैं इससे पीछे जाएगी गाड़ी। आप देख सकते हैं कैमरा में एक ऐसा आ रहा है, देखो फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मेरे रिवर्स गियर लगाया गाड़ी का कैमरा तुरंत ऑन हो जाता है, थोड़ा सा आपको लैग मिलेगा एकदम कुछ सेकंड्स का। तो जैसे मैं पीछे जाऊंगा, मैं पीछे गया, ये देखिए कैमरा एकदम परफेक्टली काम करता है।
एनजीओ स्टूडियो सिस्टम, इसके साथ आपको एक रिमोट भी मिलता है, ये देख सकते हो आप इसे। तो आप जो ये स्क्रीन, आप इस स्क्रीन को रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते थे। इस रिमोट में आपको जो बैटरी होती है, जो घड़ी में लगती है उस तरह की इसमें बैटरी लगती है, तो आप इसे रिमोट से भी पीछे बैठ के इजली कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते आपको समझ में आएगा कि ये स्क्रीन कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड आपको उसको कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको कैमरा का भी दिखा दिया कि कैमरा कैसे काम करता है। वैसे कि इसमें कैमरा में आपको पीछे LED भी मिलते हैं, जिसे कि आप इसे रात में इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड मैंने इस स्क्रीन को मंगवाया था फ्लिपकार्ट से 2300 भी। तो मैं, अगर आपको ये स्क्रीन लेना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे वहाँ से ले लीजिएगा। एंड इसकी अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे वहाँ से देख लीजिएगा। एंड उम्मीद करते आप तो घर में होंगे, सेफ होंगे, क्योंकि जो 21 का डेज का लॉकडाउन है, इसमें आप लोग घर में ही रहने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप लोग सेफ रहे, आपकी फैमिली सेफ रहे। एंड 21 डेज का लॉकडाउन, इसमें मैं 21 वीडियोस कोशिश करूँगा अपलोड करने का। तो मिलते हैं आपसे जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय।